तो किंकरियां नहीं थे वो सोना, कहने लगा ये अता किया है। हैरान हो गए वो भी कि अजब बात है, देने वाला किंकरियां उठा के दे रहा है और लाने वाले के हाथों में ये सोना है। तो कहा चलो जाते हैं पूछते हैं। अब उसके दिल में भी तजस्सुस बढ़ा, कहता है जाऊं तो सही, ये मतलब पत्थर सोना कैसे बन गया। तो जब हजरत शेर खुदा के पास गया ना, हजरत अली मुर्तजा करम अल्लाह वजहुल करीम आपसे जाके पूछा और पूछ के कहने लगे, हुजूर आपने क्या पढ़ा था, आपने यहाँ पे दम किया और ये पत्थर सोना बन गए। आपने फरमाया कोई नहीं पढ़ा था, बस मैं हुजूर पे दरूद पढ़ रहा था तो मैंने शुक्र किया तो अल्लाह ने गर्म कर दिया, ये सोना बन गया। तो ये अली पाक की बारगाह, ये अली पाक की बारगाह है, इस बारगाह से कोई खाली कभी गया है। बेशक माशाल्लाह साहब बहुत खूबसूरत मिसाल दे कर आप रहे हमारे अकायद को मजीद मजीद मजबूत और तरबियत दी है। अल्लाह ताला हमें मौलाए कायनात की मोहब्बत अता फरमाए और मौलाए कायनात की मोहब्बत यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फरमाते हैं कि मौला अली से, मेरे अली से जो मोहब्बत करेगा वो यकीनन मोमिन होगा और जो बुख्स रखेगा वो यकीनन मुनाफिक होगा। तो दुआ है कि मालिक कायनात हमें तादामे आखिर मौला अली की मोहब्बत अता फरमाए। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद सत्यन फरीदी साहब से कि आप मनकबत मौला अली सुनाकर हमारे कुलूबो जान को जिला बख्शें जनाब मोहम्मद सत्यन फरीदी साहब। बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब ताजदार गोल्डन पीर नसीरुद्दीन नसीर शोले अफाक का नाम मौला कायनात की बारगाह में मैं कोटी नशा पेश करता हूँ।
फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आजी का इजहार कैसे फरमा रहे हैं मौला कायनात की बारगाह में। अब फरमाते हैं कि तू क्या है, तू क्या है,